आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। यकीन मानिए आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज हमारे गुरु की किताब आई है। और अशोक सर एक बहुत देश के जाने माने पत्रकार तो हैं, मगर एक बहुत नेक इंसान। हमें पत्रकारिता में कलम कैसे चलानी है, क्या लिखनी है, कैसे स्टोरी करनी है, सब कुछ सिखाया। सर मैं भी बहुत भावुक हूँ आपको लेकर, इतनी शानदार किताब। वाकई मैंने सुना आपकी ईमानदारी पत्रकारिता पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि हम लोगों ने आपसे पढ़ा सीखा और आपने हमेशा एज ए जर्नलिस्ट बोल्डली जर्नलिज्म सिखाया कि ईमानदारी से रहिए, सटीक कीजिए। और आपने जो किताब लिखी है, मैं सुन रहा था आपको, बिल्कुल यही हो रहा है जो आपने लिखा है और फील भी हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी जर्नलिस्ट स्टूडेंट हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये आपको प्रेरणा कहाँ से आई, इतनी ताकत कि भाई नौकरी में होते हुए भी चीज़ों को लिखना? रिजवान, जैसा आपने कहा कि ताकत तो मुझे नहीं मालूम, ईश्वर ही देता है और बाकी माता पिता का आशीर्वाद रहता है। मेरे पिता ने भी मुझे ताकत दी हमेशा, जब एक समय में ऐसा आया इस इंटरव्यू को लेकर के कि ये स्थिति आ गई कि मेरी शायद नौकरी चली जाएगी और शायद मैं सड़क पर आ जाऊँ, तो मेरे पिता ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही थी कि चिंता मत करना, डटे रहना, और अगर मकान बेचने की ज़रूरत पड़ी तो मैं मकान बेच दूंगा, भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी। ये उन्होंने कह के मुझे एक हिम्मत दे दी। और उसके बाद मुझे लगता है जो प्यार और जो लोगों का हमेशा मिलता है, जो प्यार सहयोग मिलता है, जैसे आपने कहा, अब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं आपको पत्रकारिता पढ़ाऊँ, मैं आपको ईमानदार बनने की बात कहूँ और खुद ईमानदार ना रहूँ, खुद मैं पत्रकारिता के अपने पेशे से ईमानदारी ना करूँ, तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ, लोगों को बताता रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि जो पत्रकार खास करके इस देश में हो ये रहा है, मैं नहीं जानता कि पत्रकारिता करके इतना पैसा कैसे कमाया जाता है कि पत्रकार लोग जो हैं दिल्ली में फॉर्म हाउस खरीद लेते हैं, पत्रकार लोग जो हैं लंदन में उनके पैरिस में दुबई में उनके अपार्टमेंट, मुझे नहीं पता कि पत्रकारिता करके इतना पैसा कैसे आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुँचाने में भी कुछ पत्रकार ऐसे शामिल हैं जो कहीं ना कहीं से दो नंबर से पैसा कमाते रहे, देश को नुकसान पहुँचाते रहे, और वो देश को एक बड़ा नुकसान पहुँचा रहे थे जब वो पिछले 4.5 साल से लगातार ये कह रहे थे कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो रहा है, देश में जो है पत्रकारों को आज़ादी नहीं है। तो मुझे लगा इस पत्रकार इस जो फेक नैरेटिव पर चोट करनी चाहिए। और इंटरव्यू की कहानी मेरे पास अपनी थी ही, मैंने उसको पहले ही पेन डाउन कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि लोगों को सच जानना ज़रूरी है कि उस इंटरव्यू को रोकने के लिए क्या कुछ हुआ था। तो बस जब मैंने देखा कि अब अति हो रही है, क्योंकि कुलभूषण जाधव, आप देखिए रिजवान, कुलभूषण जाधव रॉ का एजेंट है, ये साबित करने के लिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल अदालत में भारतीय पत्रकारों की रिपोर्ट्स देते हैं, उनकी फेक न्यूज़ रखते हैं, कहते हैं देखते हैं, भारतीय पत्रकार खुद कह रहे हैं कि ये जो है एक रॉक एजेंट है। तो इस फेक नैरेटिव को हिट करना बहुत ज़रूरी था, इसको चुनौती देना बहुत ज़रूरी था।